हंगामे के चलते बीच में ही भंग हुई नगर परिषद की बैठक। परिषद में विपक्ष के पार्षदों ने जमकर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। नगर पालिका श्योपुर के सभाकक्ष में शुक्रवार को दिन के 3 बजे परिषद की बैठक आहूत की गई थी, जहां नियत समय से परिषद की बैठक प्रारंभ हुई थी कि एजेंडे के वाचन से पूर्व ही परिषद के विपक्ष के पार्षदों ने हंगामा कर दिया, जहां अध्यक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच जमकर मुंहवाद भी होता दिखाई दिया। वहीं नगर पालिका सीएमओ संतीश मटसेनिया द्वारा एजेंडे के वाचन पश्चात समस्याओं को रखने का विपक्ष के पार्षदों से निवेदन भी किया गया, मगर इसके बाद भी विपक्ष के पार्षदों ने ना तो सीएमओ की सुनी, ना ही नगर पालिका अध्यक्ष रेणु सुजीत गर्ग की। लगातार परिषद की बैठक में विपक्ष के पार्षद हंगामा करते रहे। वहीं आरोप लगाते रहे कि नगर पालिका में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नगर पालिका की दुकानों की बोली में भी पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं आरोप लगाया कि विपक्ष के पार्षदों के वार्डों में कोई काम नहीं करवाया जा रहा है, ना ही पार्षदों की नगर पालिका में सुनी जा रही है। इतना ही नहीं, हंगामे के बीच पार्षदों ने टेबल ठोकते हुए अध्यक्ष पर भी मनमानी का आरोप लगाते हुए वहीं आरोप लगाया कि नगर पालिका के कार्यों में अध्यक्ष पति और ससुर द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। जहां परिषद की बैठक में प्रारंभ से होते हुए हंगामे के बीच नगर पालिका के अकाउंटेंट ओम आर्य द्वारा एजेंडे का वाचन तो किया गया, मगर हंगामे में अकाउंटेंट ने क्या पढ़ा किसी को कुछ पता नहीं। वही हंगामे के बीच शुरू हुई परिषद की बैठक को औपचारिक तौर पर पूर्ण कर एजेंडे के वाचन के बाद ही अध्यक्ष ने अपनी कुर्सी छोड़ते हुए भंग कर दिया। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। जाके कर्मचारी भड़काया जा रहा है, ठेकेदार भड़काया जा रहा है, और यहाँ कर्मचारियों को भड़काते बैठ के चैम्बर में। ये अधिकारी है सिर्फ अध्यक्ष महोदय को है, क्योंकि कर्मचारी को किसी को भड़काने का काम नहीं है। सिर्फ अध्यक्ष ही बोल सकती है किसी कर्मचारी को कि मेरा ये काम करिए, मेरा ये काम करिए। अध्यक्ष पति का ना अध्यक्ष ससुर का कोई उसमें कोई रोल नहीं है। ये हमारा ये भी विरोध है। आज नगर परिषद की बैठक थी और उसमें काफ़ी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच देखा गया कि आप भी जो है बैठक का बहिष्कार करके बाहर आ गई, क्या कारण रहे, क्या मामला था? बैठक का बहिष्कार नहीं किया गया मेरे द्वारा। एजेंडे पे जितने भी बिंदु थे ज़्यादा बहुमतों से पास किए गए। विपक्ष का यही मानना है और यही तरीका है, बस हंगामा करने के लिए विपक्ष हमेशा तैयार बैठा रहता है। उनसे बोला भी गया कि बात होगी लेकिन एजेंडे पढ़ने के बाद, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी और पूरे बहुमतों से एजेंडा पास हुआ, उसके बाद ही मैं बाहर आई हूँ। आज परिषद में काफी हंगामा हुआ और हंगामे के बीच जहाँ तक देखा गया परिषद भंग भी हो गई, क्या कारण रहे, क्यों हंगामा हुआ? परिषद का हंगामा मतलब अनावश्यक था, क्योंकि परिषद की जो शुरुआत होती है पहले हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, उसके बाद फिर मतलब एजेंडा को पढ़ा जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुशंसा पर। ये सब प्रक्रिया होनी थी, लेकिन इसमें कुछ पार्षद साहिबान ने इसमें मतलब अड़चन पैदा की और इस प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया। लेकिन हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया रहती है, एजेंडा पढ़ा गया और एजेंडा पढ़ने के बाद उस पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा भी की गई, और उसके साथ साथ फिर जो भी है कार्यक्रम रहता है नाश्ते का, जो भी है सब लोगों को करवाया गया। उसके बाद फिर अध्यक्ष महोदय ने विस्तृत चर्चा उपरांत उस बैठक की समाप्ति की घोषणा की। परिषद में आपके द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया, क्या मामला था हंगामा करने को? देखिए पॉइंट तो बहुत है, लेकिन मैं आप लोगों को बारी बारी से एक एक करके मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो यह है कि सरकारी संपत्ति है नगर पालिका की, जो बेशकीमती है नगर पालिका की, जो जनता की है, जो ये मिली भगत से नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को जो तरीके से उस संपत्ति को बेच रहे हैं, और नगर पालिका की जो संपत्ति जो बीजेपी कार्यालय के सामने है, एक स्टेडियम के सामने है, एक इधर पाली रोड पे है और एक इधर है, तो उसके बाद में ये संपत्ति को गुपचुप में बेच दिया है। दूसरी बात, ये सफाई कर्मी है, ये सफाई इतना चरम सीमा पर पड़ गया है कि सफाई कर्मी कर ही नहीं पा रहे हैं सफाई। और हम कहते हैं कि आदमी कम है, मेरे वार्ड में मात्र 4 हैं, कई वार्डों में 15-15, 20-20 कर्मचारी हैं। मैं इतना परेशान हूँ, मेरे को दबाया जाता है अध्यक्ष महोदय के द्वारा, अध्यक्ष पति के द्वारा, कि हम तुम करवाओगे साहब तो हम आपके तनख्वाह को नहीं देंगे, और उसके क्या नाम है कर्मचारी को तनख्वाह को नहीं देने देंगे। तो वे कह रहे हैं, और दरोगा कहते हैं दूसरा दरोगा बदल दिया है, हम कहते हैं यहाँ सफाई करो, कि तुम्हारे कहने से सफाई थोड़ी करेंगे। अब दरोगा राम दरोगा बोलता है इस बात को, इस बात बोलता है कि मेरी मर्जी से चलेगा। तो हम कहते हैं भैया पार्षद हम भी बनाया जनता ने, हमारे कहने से भी बनेगा कुछ आगे तो क्या रूपरेखा रहेगी? आज आपने परिषद में काफी हंगामा किया और परिषद को जहाँ तक भंग भी हो गई, तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? अगर इसी तरह चलता रहा तो हम 2-5 दिन में या ईद के बाद नगर पालिका में तालाबंदी करके धरने पर बैठ जाएंगे पूरा विपक्ष अनुचित काल के लिए। यह हमारी चेतावनी है नगर पालिका अध्यक्ष को, अगर हमारे काम नहीं हुए और हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम ईद बाद नगर पालिका में तालाबंदी करके पूरा विपक्ष यह धरने पे बैठेगा अनुचित काल के लिए। दूसरी बात,